फिजियोग्नोमी से क्या अभिप्राय है कि आप किसी व्यक्ति के फेस को देख करके, चेहरे को देख करके उसकी प्रकृति, और केवल प्रकृति ही नहीं, उसमें यदि किसी उसके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। क्योंकि ये बात सही है कि ब्रेन का जो मिरर है वो फेस है, किसी व्यक्ति के ब्रेन में क्या चल रहा है वो उसके फेस पे डिटेक्ट हो जाता है। ये बात अलग है कि हम उसको अच्छी प्रकार से कई बार नहीं जान पाते हैं, लेकिन फिजियोग्नोमी एक ऐसी साइंस है जिसको मूल रूप से जो डॉक्टर्स होते हैं वो तो अधिकांशतया इसको निश्चित रूप से अध्ययन करते ही हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। प्राचीन जो आज से बहुत साल पहले की जब हम बात करते हैं, आज का देखिए, आज का जो चिकित्सा शास्त्र है वो पूर्ण रूप से बदल चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो अपने कुछ लक्षण बताता है, तो उसी के साथ साथ वो जो चिकित्सक हैं वो एक डिफरेंट टाइप के जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो उससे संबंधित होते हैं, उनको लिख देते हैं और वो उन्हीं इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर ही डायग्नोसिस बनाते हैं। ये आज का एक प्रचलन है, पर्टिकुलरली कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में तो ये एक आम बात है, सब जगह यही होता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप पुराने चिकित्सकों को देखें और पुरानी जो क्लिनिकल मेडिसिन की जो पुस्तकें हैं उनमें लक्षणों के आधार पर और चिन्हों के आधार पर जो डायग्नोसिस की प्रक्रिया थी वो बहुत अलग अलग थी। बहुत सारी जो क्लिनिकल मेडिसिन की किताबें बहुत सारे विशेषज्ञों ने लिखी हैं, इसमें हचिसन तो बहुत ही प्रमुख है, चैम्बरलेन है, लेकिन यहाँ पे साथ साथ एक और चिकित्सक का नाम मैं इंक्लूड करना चाहूँगा जिनसे मैं बहुत ही प्रभावित रहा हूँ, वो थे सेविल। सेविल जो है वो उनकी सेविल्स की जो क्लिनिकल मेडिसिन थी, मैं समझता हूँ कि वो मास्टर क्लास थी। उन्होंने शरीर के एक एक अंग, अलग अलग जगहों पर एक एक चीज को लेकर के जो डायग्नोसिस की जो प्रक्रिया बताई है, मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में मास्टर क्लास है। उन्होंने ही फिजियोग्नोमी का भी उल्लेख किया है और प्रारंभ में ही उल्लेख उन्होंने किया है। उन्होंने डिजीज और डिसऑर्डर्स को भी अलग अलग बताया है कि ऐसी जो चीज़ें शरीर में होती हैं जिनमें कि हम क्लियर कट, देखिए होता क्या है कि हमारा शरीर बेसिकली है क्या, पहले हमको ये समझना चाहिए कि जो शरीर हमारा है वो है क्या। उस शरीर की रचना सबसे पहले कुछ मॉलिक्यूल्स के इकट्ठा होने से, जो सृष्टि है वही शरीर है। ये तो चरक ने भी माना है कि लोक और पुरुष समान है, तो जिस प्रकार से यूनिवर्स का निर्माण हुआ उसी प्रकार से जो है शरीर का निर्माण, हम एक उसका रेप्लिका हैं, एक उसकी माइक्रो यूनिट हैं यूनिवर्स की। तो ऐसे ही बॉडी में एक मॉलिक्यूलर लेवल होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर के प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, फिर सेल बनती है। तो सेल बेसिक यूनिट होती है, आजकल हम सेल को ही पढ़ते हैं, और बहुत सारी सेल मिल करके एक टिश्यू बनाती है, एक पर्टिकुलर टिश्यू है, जैसे स्किन एक टिश्यू है, जैसे बोन एक टिश्यू है, जैसे मसल एक टिश्यू है, इसी प्रकार से अलग अलग, और ये बहुत सारे जब टिश्यू मिल जाते हैं तो एक पूरा शरीर बन जाता है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि ये एक इस प्रकार से ये समूह यहाँ पर उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पे यदि इन सेल में, इन टिश्यू में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है और वो देखा जा सकता है, वो तो है डिजीज। और यदि शरीर की कुछ क्रियाओं में कमी आ जाती है तो उन फिजियोलॉजिकल एक्शंस को नॉर्मल नहीं होती है, तो वो क्या होता है कि ये जो सिस्टम है वो ऑर्डर में न रह करके ऑर्डर के अगेंस्ट हो जाता है, जिसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। हालांकि आजकल लगभग लगभग डिजीज और डिसऑर्डर को हम कई बार एक ही रूप में मान लेते हैं, लेकिन ये इसका मूल डिफरेंस है। और इसके अतिरिक्त शरीर में दो प्रकार के, इन बीमारियों को दो प्रकार से देखा जाता है। एक तो है सिम्टम्स, जिसको हम सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। सिम्टम वो हैं जो मरीज फील करता है, जैसे उसको दर्द हो रहा है तो उसको दर्द वही फील करेगा, उसके पेट में दर्द हो रहा है तो वही फील करेगा, उसको डॉक्टर फील नहीं कर सकता, तो वो क्या है, सिम्टम है। लेकिन जो उस सिम्टम का जो रिजल्टेंट साइन होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव पैरामीटर होता है, उसको डॉक्टर देख सकता है। जैसे कि सपोज बॉडी में कहीं कोई चेंजेस आ रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, फीवर हो रहा है, जो कि थर्मामीटर से देखा जा सकता है, या हाथ की जो ये सरफेस है
उससे देखा जा सकता है, डॉर्सल सरफेस से देखा जा सकता है। ये क्या होते हैं? ये साइन होते हैं। तो सिम्टम वो हैं जो मरीज डॉक्टर को बताता है, साइन वो हैं जो डॉक्टर स्वयं को स्वयं देखता है। ये साइन हम जितना अधिक देख सकें पूरी बॉडी में, स्कैल्प से लेकर के ओ टू तक, अलग अलग जगह पे अलग अलग साइन होते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको फिजियोग्नोमी बताया, ये क्या है कि चेहरे को देख करके व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति में होने वाले विकारों के बारे में जानना। एक बहुत ही साधारण सी बात है, जब हम किसी की आंखें देखते हैं वो पीली हैं तो हम ये जान लेते हैं कि उसको जॉन्डिस है। जब हम उसकी नीचे ये पल्पेब्रल कंजंक्टिवा देखते हैं, हम जान लेते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, एनीमिक है। जब हम यहाँ पे स्किन में कुछ चेंजेस देखते हैं, चेहरा कुछ ब्लैकिश हो जाता है, हम जान लेते हैं लीवर की प्रॉब्लम है। जब ये चेहरा ग्लोजी हो जाता है, थोड़ा सा पफी हो जाता है, हम जान लेते हैं कि इसको किडनी की प्रॉब्लम है। जब टंग को हम देखते हैं तो हम जान लेते हैं कि इसके एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है। जब हम किसी की होंठ, जो होंठ हैं वो फटे हुए या कोने फटे हुए, हम जान लेते हैं कि इसमें कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ है या इसके पेट में कोई समस्या है। जब हम इसी प्रकार से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का चेहरा शाइनी न होकर के डल हो रहा है, हम जान लेते हैं कि वो एक डायबिटिक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शास्त्र में यानी कि टेक्स्ट में वर्णित नहीं है, लेकिन जब हम एक लंबे अंतराल के बाद देखते हैं, आप जानते हैं कि जो टॉक्सिक फेस होता है, जो व्यक्ति सेप्टिसीमिया में होता है, जिसको बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, उसका चेहरा एनेक्सियस हो जाता है, ड्राई हो जाता है, सनकेन आईज हैं, शोक हम जान सकते हैं, उसकी जो जीव है वो ड्राई हो रही है, सांस तेजी से ले रहा है, उसकी श्वास नली और चेस्ट का मूवमेंट देख करके हम जान लेते हैं, और जो रिसेस सार्डोनिकस है, टिटनस हो रहा है, वो हम जान लेते हैं। तो आप समझिए कि ये जो चीज़ें हैं, जो सेविल में तो इतना साहित्य है कि मुझे पता नहीं क्यों ये बात समझ में नहीं आती। हम तो जबकि एंशियंट साइंस को पढ़ते हैं, हमें भी इन साइंस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, ज्ञान होता है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हचिसन को ही पढ़ते हैं, और जो सिविल की मेडिसिन पता नहीं वो अब अवेलेबल हुई है कि नहीं, या पढ़ाई भी जाती है, हमारे करिकुलम का हिस्सा है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन उसमें वो बहुत सारी चीज़ें जो एक एक चीज़ को देख करके, एक एक सिम्टम्स को देख करके, साइन को देख करके जिनका वर्णन किया गया है, उनको यदि पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, बहुत सारे जो सिद्ध हस्त चिकित्सक हैं, बहुत सारे जो लोग सिद्धि प्राप्त हैं, वो इन छोटी छोटी चीज़ों से, स्मेल से, जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, फाइव सेंसेस हैं, उनसे बहुत सारे डिजीज़ का तो वो ऐसे ही पता लगा लेते हैं। तो दोस्तों, इसलिए फिजियोग्नोमी ये एक ऐसी जो है विधा है, एक ऐसी ब्रांच है जिससे बहुत सारी चीज़ों को जाना जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।